मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। शनिवार को कांग्रेस ने इसे लेकर मीडिया वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने कहा कि शिविर में गारंटी कार्ड वितरण में सीकर जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि जिले में महंगाई राहत कैंपों में 4,70,452 परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में कुल 20,99,899 गारंटी कार्ड वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों द्वारा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 1,36,044, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 3,56,231, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 47,170, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आमजन भरपूर फायदा उठा रहा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, शहर अध्यक्ष राजेश सैनी, धर्मेंद्र गठाला, गोविंद पटेल, तनसुख ओला मौजूद रहे। देखिए, पिछले 27 दिनों से राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम रहे हैं और हम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक ऐसा काम हमें दिया है, ऐसी जिम्मेवारी दी है महंगाई राहत कैंप के नाम से। तो हम सब लोग, हमारे सीकर ज़िले की जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष महोदया, हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्षगण, तमाम हमारे प्रधानगण, हमारे चेयरमैन साहिबान, तमाम हमारे मंडल अध्यक्षगण, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सब लोग हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम करके और राजस्थान सरकार की उन फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारने का हम लोग काम कर रहे हैं। और वो जो 10 जन कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम सब लोग रात और दिन एक करके और घूम रहे हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर सीकर जिला आज रजिस्ट्रेशन के मामले में और गारंटी कार्ड वितरण के मामले में एक नंबर पे चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से तमाम हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और सीकर जिले के तमाम आला अधिकारीगण और कर्मचारी बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सीकर जिले के अंदर लगभग 21,20,99,899 गारंटी कार्ड हम लोग वितरित कर चुके हैं और दसों योजनाओं का भरपूर लोगों को फायदा मिल रहा है। और हम लोग तो गांव-गांव घूम करके और इस बात का भी हम पता कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि इन 10 योजनाओं के अलावा भी दूसरे काम भी हो रहे हैं। हमारा रोडवेज विभाग है वो फ्री के पास बना रहा है, हमारे दूध की डेयरी का विभाग है वो अनुदान के लिए लोगों को जानकारी दे रहा है, हमारा सैनिक कल्याण बोर्ड विभाग है वो सैनिकों की परिवारों के लिए जो भी सरकार की योजना है उनसे अवगत करवा रहे हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट खाते विभाजन कर रहा है, मार्गों का दुरुस्तीकरण कर रहा है, अंतकाल और मोटेशन चढ़ रहा है, हमारे महिला बाल विकास विभाग गोद भरवाई का कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग दिव्यांगों के लिए अनेकों जो योजना है राजस्थान सरकार के अंदर, चाहे लोन की हो, चाहे साइकिल की हो, चाहे स्कूटी की हो, चाहे अन्य बेनिफिट्स की हो, उन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट दिव्यांगों को सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, मतलब अनेकों जो 23 विभाग है, जो प्रशासन गाँवों के संग, प्रशासन शहरों के संग जो विभाग जाते थे वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा, मुझे और मेरे संगठन के तमाम जो हमारे साथ जो हमारे नेतागण हैं, हमारे डीसीसी की प्रेसिडेंट है, बीसू का उपाध्यक्ष है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे सभी नेता हैं, हम सब लोग एक माँ के बेटे बेटी बन करके और राजस्थान में सीकर ज़िले का इतिहास बनाने का काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके सुभाष महरिया के बीजेपी ज्वाइन करने की बात पर सीकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कोई आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है जो हर वर्ग का ध्यान रखती है। सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला शनिवार को यहां सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने यह बात कही। प्रेस वार्ता में केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के रजिस्ट्रेशन और गारंटी कार्ड वितरण के मामले में सीकर जिला पहले नंबर पर है। इस दौरान गोविंद पटेल, तनसुख ओला, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं इस मामले में कहना चाहूंगी कि कौन आता है कौन जाता है इसी से हम किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये जनता जनार्दन है और हमारी सरकार का कांग्रेस की रीति नीति और संगठन है वो एक विचारधारा है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, एक विचारधारा की पार्टी है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। तो मेरा मानना है कि किसी प्रकार का कोई फर्क हमारे नहीं पड़ने वाला।